सोमवती अमावस्या पर्व पर श्री जटाशंकर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान करीब 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु जटाशंकर धाम पहुंचे। श्रावण मास में अमावस्या पर्व सोमवार को पड़ने का ये संयोग लगभग 57 वर्ष बाद पड़ा है। रविवार से ही श्रद्धालु बड़ी तादाद में विभिन्न मार्गों से पदयात्रा करते हुए श्री जटाशंकर धाम पहुंचे। इस दौरान चारों ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। लोक न्यास श्री जटाशंकर धाम अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अमावस्या पर्व को रात को भी खुला रहता है। अमावस्या पर्व पर यहाँ स्नान दर्शन को विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। इस हरियाली तीज अमावस्या को रिकॉर्ड भीड़ हुई। यहाँ 12 बजते ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे और कुंडों में स्नान कर भगवान श्री जटाशंकर की पूजा अर्चना की। वहीं रात भर शिवधाम में ठहरे श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और भक्ति नृत्य भी किया। इसके अलावा विभिन्न समाजों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद पाया। न्यास अध्यक्ष ने बताया कि ज्यादा भीड़ के चलते न्यास को लोगों से स्नान दर्शन के बाद अपने घरों की ओर रवाना होने की अपील करनी पड़ी। वहीं भारी भीड़ के चलते लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने भी शिवधाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और पुलिस अधिकारियों से बात कर धाम में अगले पर्वों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की बात कही। इस दौरान SDM, तहसीलदार, SDOP पिजावर, शाहगढ़, ईशानगर, किशनगढ़ थाना प्रभारी और पुलिस बल सहित न्यास पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम पुष्पेंद्र कुमार सोनी है, हम जटाशंकर की गल्ला का काम करते हैं। आज ये कहाँ पर और किस तरह का आज भंडारा किया गया है? जटाशंकर भोलेनाथ के यहाँ हम लोगों ने पिछले साल भी अमावस्या के दिन सावन में बुक किया था, भंडारा किया था। इस साल भी हम लोगों ने भंडारा किया है, जो भव्य रहा, बहुत भीड़ भी, लाखों आदमियों ने फैल दिया है। ये किसके द्वारा किया गया? ये सब हमारे गल्ला मंडी छतरपुर है, सभी व्यापारी, दलाल बंधु, सब लोगों के सहयोग से हुआ है। तो अगले साल भी ऐसा किया जाएगा? जटाधारी भगवान चाहेंगे तो अगले साल भी होगा। क्या क्या दिया गया है प्रसाद में? प्रसाद में पूड़ी, सब्जी, बूंदी बांटी गई है, और जो सुबह 5 बजे से हम लोग कल दोपहर 2 बजे से आए हैं और सुबह 5 बजे से बांटना चालू किया था, अभी तक भी प्रसाद बट रहा है। 5 बजने को है। सुबह 5 बजे से बट रहा है? सुबह 5 बजे से बांट रहे, 12 घंटे से कंटिन्यू हम लोग बांट रहे हैं। कितने लोग आए हैं? लगभग लगभग लाखों लोग आए हैं। अपनी कितनी टीम के द्वारा बांटा जाए? हमारी पूरी गल्लाबंदी, जितनी व्यापारी है, दलाल बंधु है, कर्मचारी है, सभी लोगों का सहयोग रहा है। हरियाली अमावस्या पर 17 जुलाई 2023 को श्री जटाशंकर धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना काल के बाद ये पहला अवसर रहा जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं और यहाँ रिकॉर्ड भीड़ हुई है। अनुमान है कि लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में श्रद्धालुओं की आवाजाही हुई है। ये श्रावण का मास चल रहा है, इस दौरान ये हरियाली अमावस्या पड़ती है और यह अमावस्या इस बार सोमवार को पड़ी है, जिसे सोमवती अमावस्या पर्व के रूप में मनाया गया। आचार्यों द्वारा बताया गया है कि लगभग 57 साल बाद ऐसा संयोग बना है। वहीं यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला रविवार की देर शाम आरम्भ हो गया था, जो सोमवार की देर शाम तक अनवरत जारी रहा। यह क्षेत्र का एकमात्र ऐसा मंदिर है मेरे संज्ञान में कि रात्रि को भी, अमावस्या की जो रात्रि होती है, इस दौरान भी यह मंदिर खुला रहता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा यह है कि भगवान श्री जटाशंकर जी यहाँ शिव स्वरूप में स्वयं प्रकट हैं, उनके जटा ऊपर और उनके जटाओं में चंद्रमा का भी धारण किए रहते हैं। और चूँकि अमावस्या पर चंद्रमा नहीं निकलता है, ऐसी मान्यता है कि अमावस्या की काली रात भगवान शिव की जटाओं में चंद्र दर्शन होते थे, जिसे विशेष पुण्यदायी माना जाता है। वहीं इस व्यापक भीड़ को देखते हुए लोकन्यासी जटाशंकर धाम द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक अनोखे इंतजाम किए गए थे। हालांकि कुछ देर के लिए जाम लगने की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह तेज बारिश हुई, दोपहर में धूप निकली, उमस रही, भीड़ भी बहुत रही, लेकिन लोगों के यहाँ आने का सिलसिला निरंतर जारी रहा।